फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रिया विद यू। और आज मैं शेयर करने वाले हूँ हिना मेहंदी को किस तरह से बनाएंगे ताकि ज़्यादा अच्छे से डार्क कलर हो जाए और साथ में इसका जो बालों में लगाएंगे तो और सुंदर बाल हो जाए। इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मैं मिक्स करने वाली हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए किस चीज़ की कमी है क्या नहीं है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं हिना मेहंदी यार मेहंदी। चलिए मैं शुरू करती हूँ। ये मैंने नॉर्मल पानी चढ़ाए हैं, ये चाय पत्ती डाल के इसको पानी उबाल के हेयर मेहंदी हिना के लिए बनाएंगे। तो इसको मैंने ऑन कर दिए हैं, गर्म होने देते हैं। इसके बाद इसमें डालेंगे चाय पत्ती एक टीस्पून। हिना मेहंदी बनाने के लिए मैं लोहा का कढ़ाई ले रही हूँ। बोला जाता है कि लोहा का कढ़ाई में अच्छा से आयरन मिलता है, तो ये मैंने नूपुर मेहंदी लिए हैं गोदरेज का। मुझे एक ही कलर का नहीं मिला तो दो कलर का मैंने मिक्स करके बना रही हूँ। ये ब्लैक है और एक है ब्राउन है, तो दोनों मिक्स करके बनाएंगे। कढ़ाई में मेहंदी डालेंगे, मेहंदी डालने के बाद इसके इसमें फिर डालेंगे कॉफ़ी पाउडर 2 टीस्पून। कॉफ़ी पाउडर के बाद इसमें डालेंगे कट दही, यानी कि ये 3 बड़े चम्मच लिए हैं। दही से बाल बहुत सुंदर होते हैं यार, इतना खूबसूरत होते हैं फ्रेंड्स। अब ऐसे भी अगर कट को लगाएंगे हेयर में तो भी बहुत अच्छा हो जाता है हेयर। इसको अच्छा से मिला लेते हैं। मैंने एक ही पैकेट डाला है, इसको मिलाने के बाद फिर दूसरा वाला पैकेट भी डालेंगे। और ये देखिए, ये उबल गई है चाय पत्ती। फिर इसको निकाल के इसमें डालेंगे, फिर ठंडा होने देते हैं। ये देखिए कितना गाढ़ा दिख रहा है। इसको थोड़ा ठीक बनाना है तो इसको चला चला के बनाना है। देखिए ये बन चुका है, इसको बस लगाना है। मैं इसे लगा के दिखाती हूँ अपने हेयर में। थोड़ा सा पतला बना लिया है मैंने, मैं ब्रश की सहायता से इसको लगाऊंगी। ब्रश से लगाने में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन ब्रश से बहुत अच्छा से लग जाता है। और मेहंदी लगाने से बहुत खूबसूरत हो जाते हैं बाल, बहुत सिल्क शाइन हो जाते हैं। देखिए मेरा बाल कितना, हेयर कितना रफ लग रहा है।
ये लगाने मैं अपने से कंप्लीट कर लूँगी। ये लगाना कंप्लीट हो गया है। फिर इसे मैं 30 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। फिर धोने के बाद देखिए कितना अच्छा बाल लग रहा है, हेयर लग रहा है, पहले से बहुत अच्छा लग रहा है। पर अच्छे से नहीं सूखा है इसलिए मैंने इसे नहीं झाड़ी हूँ, लेकिन छूने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सिल्क लग रहा है, सॉफ्ट लग रहा है। आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा इस मेथड को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।